जगदीश चंद्रा बोलने में बड़ा लंबा लगता है, हम लोग उन्हें जेसी सर बोलते हैं। तो जेसी ज्यादा प्यारा लगता है, जेसी ज्यादा जुबान पे चढ़ता है। आप सबों का इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज गोविंदा जी को देख के मुझे लग रहा है कि असली दोषी आज मुझे पकड़ में आ गया। दिल्ली में पढ़ाई करने आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूपीएससी की तैयारी करता था, मेरा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि हर 15 दिन में इनकी एक हिट फिल्में आ जाती थी और हम यूनिवर्सिटी से नॉर्थ कैंपस से बाहर भागकर कमला नगर के सिनेमा हॉल में चले जाते थे इनकी फिल्में देखने। तो मुझे लगता है कि अगर मैं बहाना ढूंढूं तो एक बड़ा बहाना यह भी है कि इनके कारण मुझे यूपीएससी में नहीं हुआ। उदयपुर आज मेरा पहला दिन है, मेरा सौभाग्य है मैं इस चैनल से जुड़ा हूं, जेसी सर के साथ जुड़ा हूं, और वो भी उस शहर से जुड़ा हूं जहां सिर्फ उदय होता है, अस्त नहीं होता है। यहां से उदय होगा, ये शहर उदय का शहर है, ऊंचाई तक ले जाने का शहर है। कहते हैं कि उदयपुर में सारे सपने पूरे होते हैं, इसीलिए इसका नाम उदयपुर है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो चैनल का सपना, जो चैनल को लेकर हमने सपना देखा है, जो जेसी सर ने, हमारे तमाम सहयोगियों ने जो सपना देखा है, और उस सपने को हम पूरा करेंगे, उसे मुकाम तक ले जाएंगे। दो नाम है, एक फर्स्ट इंडिया, हमारा राजस्थान का चैनल, नंबर वन चैनल, दूसरा भारत 24। और दोनों ही कहे तो इंडिया का मतलब भारत और भारत भारत, जहां सिर्फ हम देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, भारत के हित की बात करते हैं, भारत के लिए बात करते हैं, भारत के विकास के लिए बात करते हैं। आप अगर इस चैनल को देखेंगे तो इसमें जो हमारी मिट्टी की खुशबू है, देश को कैसे मजबूत किया जाए, एक अखंड भारत की बात होती है, उस भारत की बात होती है, उस नए भारत की बात होती है जिसका सपना हम सबने देखा है। जैसा कि हमारे सीईओ सर ने कहा कि हम दिल्ली तक सीमित नहीं है। आज जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जहां टेलीविजन, जहां खबर के लिए, जहां कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाता है, उन व्यक्ति तक पहुंचेंगे जो खबरों के एजेंडा में नहीं होता है। एजेंडा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। हम टीयर 3, टीयर 4, 5, 6 छोटे कस्बों तक जाएंगे, कस्बों की बात करते हैं, छोटे लोगों की बात करते हैं, उनकी बातों को उठाते हैं, उनकी आवाज बनते हैं। तो यही मकसद है इस चैनल का, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस